हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में, जिसमें आपने आज देखा कि मार्केट में करेक्शन था, फिर भी सुजलॉन एनर्जी का शेयर गिरा नहीं। हालांकि अपर सर्किट लगा नहीं, हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि बस रोज़ अपर सर्किट ही लगना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, बट कभी कभी साइडवेज जाना भी अच्छा होता है। आइए जानते हैं सुजलॉन में आज क्या क्या हुआ। उसके पहले आपको बता दूँ, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ये दोनों सर्विस के लिए आपको कोई भी एडवांस पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। सुजलॉन एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो आज 25 रुपीज़ 10 पैसे का हाई लगाया था, 24 रुपीज़ 50 पैसे का लो लगाया एंड क्लोजिंग दिया 24 रुपीज़ 75 पैसे का, जो कि फिर भी 2.30% प्लस में ही क्लोज हुआ, जबकि मार्केट में आज भी गिरावट देखने को मिली थी। BSE और NSE मिलाकर करीब करीब 18 करोड़ शेयर्स जो है ट्रेड हुए हैं, जो कि रेगुलर वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा घटा ना बहुत ज़्यादा बढ़ा। अभी देखा जाए तो एम ऑर्डर लगी हुई है 9,70,000 शेयर्स की NSE के ऊपर, तो एम ऑर्डर अभी भी लगी हुई है, मतलब अभी भी लोगों के मन में बुलिशनेस बना हुआ है सुजलॉन को लेकर। और RSI की बात करें तो अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है, 63 का RSI है, कंफर्टेबल RSI है, और इसीलिए आज भी हमें सुजलॉन में गिरावट देखने को नहीं मिली। अगर आज मार्केट पॉजिटिव रहता था तो आज डेफिनेटली इसमें अपर सर्किट देखने को मिलता था। सुजलॉन एनर्जी में आप जानते हैं काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं, डेट भी कंपनी का करीब करीब नई के बराबर हो गया है और FIDI का होल्डिंग भी बढ़ा है, तो ओवरऑल पॉजिटिवनेस बनी हुई है। तो अभी भी इसमें डरने की बात नहीं है, ओवरबॉट जोन में होगा, या अगर इसका 27 रुपीज़ के आसपास जाकर ब्रेकआउट देना चाहिए जब हम समझेंगे कि ठीक है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो आज भी ज़्यादा आई होप कि आप में से किसी ने बेचा नहीं होगा डर के मारे और होल्डिंग किया होगा, तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं। और हो सकता है आने वाले दिनों में ये 27 रुपीज़ जो कि उसका 52 वीक हाई है उसको क्रॉस करने की ऊपर जाने की कोशिश करें, बट ये टोटली डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर भी। कल तो मार्केट को छुट्टी है, परसों मार्केट कैसा रहता है आने वाले 2-3 दिन में उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट बहुत ज़्यादा गिरावट तो होने की संभावना नहीं लग रही है। अनटिल एंड अनलेस मार्केट बहुत ही ज़ोरदार क्रैश हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो थोड़ा साइडवेज जाएगा। और जब भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा जब ऊपर जाने की ही कोशिश करेगा सुजलॉन का शेयर, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया होगा तो भी अभी होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया होगा तो भी होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया होगा तो अगर आपको 10-1% प्रॉफिट हो रहा होगा तो पार्शियली प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो। बट लेट्स होप कि आने वाले दिनों में यही हफ्ते में हमें सुजलॉन का शेयर 27 रुपीज़ को क्रॉस करके ऊपर जाते हुए दिखे, यही आशा करते हैं। और बने रहिए सुजलॉन के अंदर और देखते रहिए आगे क्या क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।